ब्रह्मांड के अध्ययन को एस्ट्रोनॉमी कहते हैं। क्या कहते हैं? एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी कहते हैं। अब इसी में ये गैस है, क्या है? गैस है। अच्छा, इसके पहले सबसे पहले हम जानेंगे कि ब्रह्मांड क्या है, इसके में क्या क्या चीजें हैं। यानी कि उतना नहीं है आप बल्कि ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड में आपका सुपर क्लस्टर है, सुपर क्लस्टर में क्लस्टर है, क्या है? क्लस्टर है। उसके बाद आकाश गंगा है, तारा है, नक्षत्र है, सौरमंडल है, सूर्य ग्रह है। उसके बाद पहुंचे अंतरिक्ष है। इतना सारा चीज, इतना सारा चीज, क्या क्या बोले? फिर से बार हम बोलेंगे, अंतरिक्ष में पहुंचते है ना, यह वो इतना पहले का वो था ना, यहाँ पे वो कम क्या आठ वो ग्रह, लेकिन यहाँ लोग पढ़ रहे हैं पूरा कितना चीज। तो क्या बोल कौची कौची बोले? परमाणु सूर्य ग्रह अंतरिक्ष नहीं है। अब देखिए, अब इसी में हम लोग कहते हैं कि ये सब सारे चीज कौची है? गैस है। कौची है? गैस है। और गैस को ही जब ये धीरे धीरे सिकुड़न हुआ, क्या हुआ? सिकुड़न हुआ। मैंने ये देखिए, पहले जो है ये अलग अलग था, कौची था, कितना से, अब यही सारे गैस धीरे 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 आपस में क्या हुआ? यही जैसे सब्जेक्ट, आप इसको छोड़ दीजिए, यही चीज जब ये सारे गैस, ये सारे गैस धीरे 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 सिकुड़न हुआ, वापस में इसका घना तो कहा गया, बढ़ गया, घना तो बढ़ गया, मतलब एकदम छोटा छोटा हो गया। ठीक, अब उसी को हम लोग क्या कहते हैं? निहारिका। उसी को क्या कहते हैं? निहारिका। अब निहारिका से देखिए, ये आगे चल करके बन गया कौन तारा, जो हम लोग पढ़ते हैं ना कि सूर्य क्या है? एक तारा है। क्या है? तारा है। तो सूर्य कहते हैं हम लोग की हाइड्रोजन गैस है, कौन है? हाइड्रोजन और हीलियम की कौन है? गैस है, कौन है? गैस है। जो उसको एक अपना हीट होता है, कौन होता है? तारा किसे कहते हैं? जिसको अपना हीट हो और प्रकाश हो, कौन हो? उष्मा और प्रकाश। हीट, हीट में कौन सी? एक लाइट यानी कौन सी? प्रकाश, लाइट। उसी को हम क्या कहते हैं? तारा कहते हैं। हम लोग रात में जो देखते हैं कि छोटे 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 जो चमकते रहते हैं वो भी कौन सी तारे रहते हैं, अच्छा, लेकिन वो कौन सी तारा है आगे हम लोग देखेंगे। ठीक, अब देखिए ये तारा जो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन जैसे हीलियम चमकते हैं धीरे धीरे, यहाँ से बहुत सारे होता है आपको रे निकलती है, निकलती है, यानी कि उसमें निकलती है। जो देखिये पढ़ाने का मतलब होता है कि सबको तोड़ मरोड़ को और छोटा करके आपको दिमाग में घुसा दें, इतने नहीं है भाई साहब, इसको अभी चलेगा तीन चार दिन, लेकिन समझने का प्रयास करिएगा। उम्मीद करते हैं कि जो तीन चार क्लास के बदले में आपको अभी जो पढ़ेंगे उतना में आपको दिमाग में घुस जाना चाहिए, और वो जैसे किताब जब पढ़िएगा ना, आपको ऐसे नहीं करते हैं पढ़ा देंगे आपको नौकरी मिलेगा तैयारी मिलेगा, नहीं, एक बेसिक प्लेटफॉर्म दे देंगे, उसको समझने की कोशिश करिएगा। पहले आपको पूरा बोल लेने दीजिए, बोलने के बाद जब क्वेश्चन को एराइज करिएगा तब ना, अभी हम पूरा बोले है या नहीं आप बीच में। चलिए आप देखिए, ये जो है क्या बोले, और यहाँ से जो भी हीट निकलती है या प्रकाश निकलती है तो उसमें क्या होता है? सलयन होता है कि श्रीखंड, क्या होता है? सलयन होता है ना, या कभी कभी कहता है कि हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन खंडन पर काम करता है, नाभिकीय विखंडन, परमाणु बम। तो बताइए कि हाइड्रोजन बम और परमाणु बम में जो ऊर्जा निकलती है इसमें क्या होता है? सलयन होता है कि विखंडन, क्या होता है? और इसमें क्या होता है? विखंडन। खूब पूछता है, और सुनिए कि हाइड्रोजन जो है, कौन सा है तारा जो है, एक हाइड्रोजन का कौन सा, हम लोग कहते हैं कि गोला है, क्या है? हाइड्रोजन गैस का एक कौन सा है? गोला है, गोला है। अब जहाँ जहाँ हाइड्रोजन है क्या सलयन हो रहा है, अब जहाँ जहाँ हाइड्रोजन आएगा वहाँ वहाँ कौन सा होगा? सलयन होगा। यानी किसी का एग्जाम्पल देखिए, यहाँ भी हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एच से शुरू हो रहा है, कौन से? और यही हाइड्रोजन का गोला है जो तारा कहते हैं। अब जब यहाँ सलयन हो रहा है, यहाँ भी हाइड्रोजन है तो यहाँ भी कौन सा होगा? बहुत क्वेश्चन बहुत लाखों बार पूछता है। उसके बाद आता है परमाणु बम, जब यही दोनों में कंफ्यूजन होता है, हाइड्रोजन बम होता है सालियन
और आपको परमाणु बम का हो जाएगा, विखंडन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, विखंडन हो जाएगा, विखंडन। अब समझिए आगे, वही जो है तारा बन गया, अब इसमें सलयन हो रहा है। अब देखिए, अब कि है क्या सर, ये क्या है, एक तरह से इसको एग्जांपल देंगे, प्लाज्मा देखिए लिखा हुआ है, कुछ लिखा हुआ है प्लाज्मा। अच्छा, इसको पहले जो देख रहे हैं ना एस्ट्रोनोलॉजी, ये क्या होता है, उसको बहुत सारे चीज पढ़नी है। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि घर बनाए, क्या बनाए, घर बनाए, और घर बनाए और दिखाई दे दिया एकदम छत वाला कौन चीज सीढ़ी, तो उसको अशुभ माना जाता है, क्या माना जाता है, अशुभ, वो तो अच्छा चीज नहीं है। हाँ, जैसे मेन गेट खोले और छत वाला जो है से आपका सीढ़ी दिखाई दे, ये गलत चीज माना जाता है समाज में, क्या माना जाता है, गलत। ठीक है, जो चीज ज्यादा रिपीट करते रहे ना उसको क्या करेगा, थोड़ा सा रोक के तब हम करेगा, वो क्या माना जाता है, आपको अशुभ माना जाता है। कोई भी मंगा आए और आपके घर भिक्षा मांगने, और जैसे गेट खोलिए और उसको अगर सीढ़ी दिखाई दे दिया, ये अशुभ माना जाता है, अच्छी माना जाता है, अशुभ माना जाता है, कोई दिक्कत नहीं। हालांकि ये सब चीज लीजिएगा, ये सब रोकिएगा नहीं। चलिए, अरे ये किस तरह का है, प्लाज्मा का तो कई सही एग्जाम्पल में देते हैं, जो खा रहे हम लोग मिलते हैं बुढ़ा बुढ़ी के देखते हैं खाने में कि पूरा एकदम चादर ओढ़ करके, और जो दादा लोग होते हैं बोर्सी ले लेते हैं, और उनका खांसी हो जाता है, खा रहेगा तो भिजने नहीं जाएगा, एक चोटा डाले ओकरे में आलू पक रहा है, ओकरे में लेकर आलू पका रहा है, देखते हैं कैसे। या फिर इसको सबसे बेहतरीन चीज, आप अंडा देखे है ना, अंडा अंडा तो पूरे देखे ऐसे करिए तो छिंदरेगा नहीं, चिपचिपा सर, वो ऐसे लटका हुआ रहेगा, है ना, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, प्लाज्मा, क्या कहेंगे, प्लाज्मा। अंडा को क्या कहेंगे, प्लाज्मा, प्लाज्मा। तो ये आपका तारा भी एक दूसरी तरह का है, क्या है, वो छिंदराता नहीं है, वो सब एक दूसरे में क्या हुआ, उजरा हुआ है, क्या कहते हैं, तारा कहते हैं। अब देखिए यहाँ से ये धीरे 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 रेड हो गया, कुछ हुआ लाल, कुछ हुआ लाल हो गया पूरा, इसको हम लोग कह देते हैं लाल दानव, कुछ कहते हैं रेड दानव, लाल दानव कहते, कुछ कहते हैं लाल दानव। अब देखिए, अब लाल दानव जो है इसमें देखिए ईंधन होता है, कुछ होता है ईंधन, अगर लोहा को पूरा एकदम तप कर दीजिए, पूरा गर्म कर दीजिए, कैसे होता है, आप देखिए ये जो है इसमें से आपका ईंधन है, ये आकार कुछ होता है, बहुत बड़ा होता है, कुछ होता है बहुत बड़ा होता है, और ये जो है पांच अरब इसका जीवन काल पूरा हो गया, इसका पूरा जीवन काल कितना है, 10, टोटल अगर देखा जाए तो 10 अरब, कितना, 5 अरब अपने पूरा कर लिया है, 5 अरब जो है सब बच रहा है, कौची बच रहा है, 5 अरब बच रहा है, तो 5 अरब के बाद फिर कुछ होगा, ये समाप्त होगा, तो टेंशन आ रहा है सर 5 अरब के बाद, अरे उससे क्या मतलब है, हम लोग तो पार हो जाएंगे, हम लोग क्या हो जाएंगे, पार हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अब देखिए जब इसको ये जो है ना टूटता है, कुछ होता है, जब इसे सूरज से छोटा, यानी कि 1.5 गुना, कितना, 1.5 गुना, हम लोग कहते हैं 1.5, लेकिन 1.44 को हम लोग क्या कहते हैं, 1.5 गुना कहते हैं, क्या कहते हैं, 1.5 गुना कहते हैं, तो इसको से मतलब कि 1.5 गुना से कम छोटा, कौजी छोटा में अगर टूटे तो वो जाता रूप ले लेता है, कौजी का श्वेत बामन का रूप ले लेता है, कौजी का ले लेता है, श्वेत बामन का रूप लेता है। अब यही चीज जब देखिए सूर्य से कितना, 1.5 गुना अगर 12 है, कौजी है 12 है, तो उसे हम क्या कहते हैं, अभिनव तारा कहते हैं, क्या कहते हैं, अभिनव तारा। अभी 1.44 जो हुआ इसको किसने दिया, फोटो खींच लीजिएगा, चलिए एक अभी बोलवा देते हैं, रिकॉर्डिंग फिर हमारे काटे पड़ेगा, वो किसने दिया, एस चंद्रशेखर ने दिया। अब यही देखिए श्वेत बादल है, अब यही धीरे 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 जो है ठंडा पड़ने लगता है, काला होने लगता है, कुछ होने लगता है, काला होने लगता है,
और धीरे धीरे जो है ये आपको काला पड़ जाता है। क्या पड़ जाता है? काला। कुछ हो जाता है? काला हो जाता है। अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग, ये जो एक पोर्शन ये था, क्या था? अभिनव तारा वाला। कौची अभी अभिनव तारा जो है विस्फोट होता है। कुछ होता है? विस्फोट होता है। और विस्फोट होने के बाद ये चार तरह के टूटता है, चार तरह में टूट जाता है। कौची पहला जो होता है उसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? सभी को बोलेंगे न्यूट्रॉन। और दूसरा जो पल्सर क्या है? पल्सर। और तीसरा क्या है? तीसरा क्या है बोले ना तुम? क्या क्वेश्चन। और चौथा जो होता है ब्लैक होल। कौन सी? अब ब्लैक होल की चार तरह के टूटते हैं। टूटने के बाद देखिए पल्सर और क्वेश्चन। कौन सी? पल्सर और क्वेश्चन जो होता है ये घूर्णन करता है। कौन सी होता है आपका? इसका नाम से ही पता चल रहा होगा कि पल्सर कार्य करते हैं। हाँ राजीव यादव लोग पल्सर मानते हैं। वो पुराना हो गया ना पल्सर। अब ये पल्सर का मतलब देखने से पता चलता है कि पूरा राउंड में क्या करता होगा होगा। अब देखिए कोई भी चीज है ना, अब उसको मान लिया जाए कि हम लोग के पास देखते होंगे होलैया कूदते हैं। होलैया अगला के दिन कची बनाते या फिर ऐसे समझे कि बाल्टी में है, बाल्टी में पानी लेकर के हम लोग चल रहे हैं, देखिए छलकता है गिरता है गिरता है ना। हवाई बाल्टी में भरा पानी है या कमंडल में भरा पानी है और उसको पूरा राउंड में धक्का धक्का देता है। कैसे इधर चल रहा है ना पूरा बाल्टी उल्टी क्या कुछ बड़ा सुना और उसको थुर थुर के थुर थुर के एकदम छोटा बना दीजिए। कच्चे बना दीजिए छोटा। जैसे कभी देखे हैं गोला आप लोग खींचे जी सर। कौन जी गोला बिहार पुलिस में चाहे उस समय गोला देखिए। अगर कभी नहीं सुने कभी नहीं फेंके हैं देखे हैं सबको देखे क्लास में लड़का या लड़की सभी को गोला दिखाया गया होगा। अगर वाकिफ में अगर हाई स्कूल अच्छा होगा टीचर लोग अच्छे होंगे तो वहाँ पे गोला मिलता है खेलने के लिए, फुटबॉल मिलता है, क्रिकेट मिलता है, सारे चीज मिलते हैं। तो आप उस गोला को देखिएगा कि अगर कभी नहीं पकड़ा है तो जो कभी नहीं पकड़ा है और कह के फेंके वो लड़का जाएगा छोटे से ऐसे उठाएगा तो ऐसा फेंके तो लूट चुके सबसे पहले कैसे उठाएगा तो पता चल जाएगा। अब अगर फेंकने का आइडिया नहीं है तो जैसे ऐसे फेंकेगा फेंके जाए हो सकता है कि एनिमे करिएगा तो एनिमे गिर जाएगा। कितना है ना? अब खूब से खूब कितना रहता है? छः पाँच किलो साढ़े छः साढ़े छः मान लिया उतना साढ़े छः साढ़े सात साढ़े सात और साढ़े सात के देखे बड़ा सामान अगर आए कौन सी रहे बड़ा सामान तो उसको आराम से उठा लीजिएगा। साढ़े सात के जी बहुत ही अच्छा चीज नहीं है, आराम से उठा लीजिएगा। लेकिन उसको थुर थुर के क्या किया उसको एकदम घना तो जो है सो बढ़ा दिया मतलब छोटा कर दिया। छोटा होगा बड़ा है तो घना तो ज्यादा है सॉरी घना तो कौन है कम है। अब इसको धीरे 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 इसको क्या करेंगे फूरेंगे उसका घना तो क्या हो जाएगा। घना तो मतलब समझ रहा है ना? देखिए घना तो मतलब क्या होता है हिम्मत मान लिया कैसे एक वर्ग अस्कवार एक वर्ग अस्कवार आप यो दोनों अब इसको मान लीजिए दस आदमी है दस को एक में बीस को क्या को किसका घना तो ज्यादा होगा किसका होगा बीस को बीस वाला के घना तो ज्यादा होगा क्योंकि एकदम नजदीक यहाँ में दस मिनट आराम से चौड़े से जैसे आराम खाए पीएंगे पढ़ेंगे सोएंगे है ना। तो जो जिसको भी ज्यादा कम बचा उसको घना तो ज्यादा कर दिक्कत है घना तो ज्यादा हो गया कोई दिक्कत नहीं। अब उसको छोटा कर दिया पूरा राउंड मारा है इसका घना तो क्या हो जाएगा एकदम छोटा हो जाएगा क्या हो जाएगा छोटा हो जाएगा। अब वही पे देखिए यहाँ पे आता है कौची ब्लैक होल कौची ब्लैक होल जो ब्लैक होल का सिद्धांत हम लोग पढ़ते हैं कि किसने दिया किसने दिया चंद्रशेखर ठीक यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना यहाँ तो समझ में आया किसका हो रहा है। अब यहाँ पे जो देख रहे हैं काला बाबा मंदिर देख रहे हैं यही जो है आप ताकते होंगे तो कोई काला काला दिखाई देता है लेकिन सूर्य भगवान पता के
समझ में ना, यानी कि बोला काला हो गया यानी उसका टेम्परेचर बहुत कुछ हो गया, लो हो गया, कुछ हो गया लो हो गया, कहीं कहीं नाक के बराबर भी है, समझ रहे हैं। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना, अब इसमें लिखाना शुरू करते हैं। चलिए ठीक है।